महिलाएं भाजपा की कह रही थी कि गंदा गंदा बात नीतीश कुमार कर रहे हैं लोग विधानसभा में ऐसा, और ये गंदा गंदा बात अब साफ सुथरा हो गया, वॉशिंग मशीन में फिर से धुला गया। फिर से धुला गया। सबों को पता है कि शराबबंदी क्या है, कितना सफल है नहीं है, ये कुछ जग जाहिर है, ये बताने की या इस पे बोलने की जरूरत नहीं समझते। बिहार के नहीं पूरे देश में इस तरह का माहौल बन रहा है, भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश में चुनाव होता है, मालूम चलता है ये नेता कांग्रेस में है, कांग्रेस के नाम पर आप वोट दिए हैं, अब बाद में बिक गया, बीजेपी की सरकार बना लिया। ये तो सरासर गलत है, नैतिक मूल्यों का पतन है राजनीति में और राजनीति का माखौल उड़ाना हुआ, डेमोक्रेसी का हत्या यहीं से शुरू हो जाती है, लोकतंत्र की हत्या। 2 तारीख को मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आने वाली सरकार से आपका क्या मांग है कि बिहार के विशेष नजर रखते हुए क्या कुछ करना चाहिए आने वाली सरकार को? आप क्यों मोदी जी पे ही फोकस कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं? बिहार की जनता के पास मोदी जी पहली बार थोड़े आ रहे हैं, पहले भी आए थे। इस बार अपेक्षा की जहाँ तक बात है, अपेक्षा यही हो सकती है कि दोबारा इन्होंने अपनी सत्ता में भागीदारी कायम की तो नीतीश जी के नेतृत्व में, तो बिहार की या बिहार वासियों की बहुत पहले से ही ये महत्वाकांक्षी मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा। ये एक बिहार वासियों के हित में महत्वपूर्ण मांग है जिसको कि पूरा किया जाना चाहिए। आपका कहना है कि आने वाली सरकार चाहे इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का है, उनको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। बिल्कुल। बिहार में एक बात प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार ने 39 सांसद जिताकर केंद्र में भेजा, केंद्र की जो सरकार है उसने आज तक बिहार के विकास के लिए कोई एक बैठक तक नहीं की। बिल्कुल। इस पर क्या कहना? जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, वो वास्तविकता की चीजें रखी है, वो बेबाक बोलते हैं और सही बोलते हैं, राजनीति के बहुत अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से एक। तेजस्वी यादव ने नौकरी बांटी है बिहार में, ये सब लोग मानते हैं, विपक्ष के लोग भी मानते हैं, क्या लगता है इस नाम पर उनको लोकसभा चुनाव में वोट मिलेगा कि विधानसभा में? मैंने जनता के रूप में देखी जाए तो ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि तेजस्वी जी की ही देन है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नीतीश जी इतने दिनों से हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने के मामले में बहुत हद तक अपने ठप जो था वो तेजस्वी के साथ आने के बाद नौकरी कुछ लोगों को, मैंने अच्छी खासी संख्या में लोगों को देने का काम हुआ था। जितना मांझी कहते हैं कि हमारा 20 को विधायक जीत गया तो शराबबंदी खत्म कर देंगे, फिर से शराब चालू कर देंगे। शराबबंदी देखिए, वास्तव में शराबबंदी अब क्या कही जाए, आप सभी को, सबों को पता है कि शराबबंदी क्या है, कितना सफल है नहीं है, ये कुछ जग जाहिर है, ये बताने की या इस पे बोलने की जरूरत नहीं समझते। बिहार में किसका पल्ला भारी रहेगा, इंडिया का, एनडीए का, मोदी जी का है या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है? ये भी बिहार की जनता को ही तय करना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी देख रहे हैं माहौल क्या है। माहौल कुछ नहीं, माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है मीडिया के द्वारा और मैंने पब्लिक के बीच अपने कैडर के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा माहौल बनाया जाता है, तो यहाँ की निरीह जनता को बहलाने फुसलाने का काम सदैव होते रहा है और ये इस बार भी संभवतः होगा। बिहार में लगातार सरकार वही रह रही है, विपक्ष बदल रहा है और विपक्ष के बदलने से जब नीतीश कुमार जब आते हैं और भाजपा के साथ मिल गए तो नीतीश कुमार के भाजपा में मिलने से भाजपा को नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ, आपका आकलन क्या करता है? नीतीश कुमार के भाजपा में मिलने से नीतीश कुमार को फायदा हुआ, भाजपा को नुकसान हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि केंद्र में उनकी सीटें इस बार कम आने की संभावना थी, जो भाजपा का इंटरनल सर्वे बता रहा था कि उनको अगर दूसरे पार्टी के लोगों को मिला रहे हैं तो कुर्मी वोट बढ़ जाएगा। ये जो पलटने का खेल जो महिलाएं भाजपा की कह रही थी कि गंदा गंदा बात नीतीश कुमार कर रहे हैं लोग विधानसभा में ऐसा, और ये गंदा गंदा बात अब साफ सुथरा हो गया, वॉशिंग मशीन में फिर से धुला गया। बीजेपी में आया, धुला गया। तो बीजेपी धोने वाला पार्टी है, गंदगी को धोता है, गंदगी को सब अपने अंदर रख लेता है। अच्छा, तो एक चीज बताइएगा
कि बिहार का विकास कैसे होगा। नीतीश कुमार जब विपक्ष में जाते हैं तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। यस यस। जब भाजपा के गठबंधन में आते हैं तो मोदी जी जब आए हुए थे उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिए, नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा मांगे, नहीं मिला। अब तो कहते हैं कि भाई अब हम बुढ़ा गए हैं, अब इस सब चीज पर है सवाल जवाब हमको नहीं करना, कुर्सी पर बने रहना है, ये जनता कह रही है। आपका क्या मानना है, सही कह रही है जनता? जनता जो कह रही है वह कुर्सी ही चाहता है, उनका कुर्सी ही चाहता है, कुर्सी ही चाहता है। आगे का फ्यूचर देख रहे हैं कि अब बीजेपी में आ गए तो फ्यूचर सही रहेगा। अच्छा। आरजेडी में थे तो नहीं था, फ्यूचर डाउन होने वाला था। अच्छा। हो सकता था गैप भी हो जाता है। हाँ। यहाँ आया तो फायदे में है। भतीजा बढ़िया काम कर रहा था? भतीजा तो ठीक है काम कर रहा था। जनता का प्यार मिलेगा इस बार? हाँ मिलेगा। मिलेगा लोकसभा में मिलेगा कि विधानसभा में मिलेगा? विधानसभा में मिलेगा। लोकसभा में नहीं फायदा होने वाला? लोकसभा में फायदा। लोकसभा में मोदी है? मोदी है। लोकसभा में मोदी है, ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से फायदा नुकसान हुआ है बीजेपी को, मोदी जी को भी नुकसान हुआ है, लेकिन फायदा होगा मोदी जी को। अब देखना है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है और यहाँ की जनता वोट किस आधार पर करती है। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, बातों में है सो विशेष राज का दर्जा मुद्दा रहा, बातों में है सो उद्योग मुद्दा रहा, बातों में रोजगार मुद्दा रहा, बातों में यहाँ पर शराबबंदी का भी एक मुद्दा चल के आया, और वो देखना है कि चल के वो कहाँ तक जाता है या शराबबंदी बिहार से खत्म हो जाती है। इन तमाम सवालों के साथ आपके बीच में हम लगातार आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए डीपी ब्लू वॉइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।